तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMII पे। दोस्तों, आज फिर बात करेंगे अशोका मेटकास्ट की, क्योंकि इसमें फिर आज लोअर सर्कल लग चुका है। आज ये जो स्टॉक है आप देख सकते हो, नियरली 5% की गिरावट के साथ 20.90 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो कंटिन्यूसली इस स्टॉक में डाउनफॉल देखने को मिला हुआ है। कल भी गिरावट हुई थी, आज भी, क्योंकि मार्केट में भी ओवरऑल देख सकते हो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। पहले दोस्तों, जैसे इसके रिजल्ट्स आए ये स्टॉक बहुत ही तेजी से भागा, लेकिन दोस्तों अब ये स्टॉक थक चुका है, मार्केट में भी वॉलेटिलिटी है, जिसके कारण इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या सपोर्ट लेवल रहेंगे। तो एंड तक जरूर हमारे वीडियो को ध्यान से सुने दोस्तों। नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले दोस्तों आइए इसके फाइनेंशियल फिर हम आपको शो कर देते हैं। दोस्तों, जो इसके मार्च के रिजल्ट्स आए हैं बहुत ही शानदार रहे हैं। ये देखो, दिसंबर में कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू था 0.34 करोड़ था, जो कि मार्च में बढ़ के 3.57 हो गया है। इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो, इस कंपनी का जो कह सकते हो कि सेल्स हैं, रेवेन्यू है, टोटल इनकम है, वो 3.57 करोड़ हो गई है और 3 टाइम्स ग्रो हो गया है। तो एक अच्छी इंडिकेशन है दोस्तों, ये प्रॉफिट है दोस्तों, मतलब कंपनी का प्रॉफिट है ये कंपनी के प्रॉफिट का डाटा है। तो अब टोटल रेवेन्यू का डाटा देख लेते हैं, तो वहाँ पे भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल गई है। यहाँ पे देखो, मार्च 23, जून 23 और सितंबर 23, कंपनी का जो रेवेन्यू था वो नीचे गिर रहा था, लेकिन अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल गई है। स्पेशली मार्च में कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और कंपनी के सेल्स में बहुत ही शानदार इजाफा हो गया है। तो नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। शेयर होल्डिंग देख लेते हैं, प्रमोटर के पास 53.65% का स्टेक है और कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है इन द मार्च क्वार्टर। तो अब इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे, उससे पहले इसकी वैल्यूएशन देख लो। पीई मल्टीपल्स 12 के राउंड है और इंडस्ट्री की पीई रेशियो 63 की है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले अभी भी ये स्टॉक बहुत ही सस्ता है, बहुत ही बड़े डिस्काउंट पे मिल रहा है। आरओई परसेंटेज 4.58% की है। प्राइस टू बुक रेशियो भी लो है, 1 से कम है। तो करंटली ये स्टॉक अपनी फेयर वैल्यू से काफी नीचे मिल रहा है। अब इसका टेक्निकल चार्ट देखो, लास्ट 1 वीक में देखो, इसमें पहले अपर सर्कल लग रहे थे, जैसे रिजल्ट्स आया तो कंपनी के स्टॉक में अपर सर्कल लगने शुरू हो गए, लेकिन देख सकते हो 25.55, मोटा मोटा कह सकते हो 25.50 इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से इस स्टॉक में गिरावट जो है वो शुरू हो गई है। 1 मंथ का चार्ट भी देख लो, इसका जो लोअर सपोर्ट है वो 18 के राउंड जो है वो बन रहा है, क्योंकि पहले दोस्तों ये देखो 18 और रेजिस्टेंस था इसका यहाँ पे, ये देखो 21.22 कह सकते हो, 18 से लेके 22 के बीच में ही कंसोलिडेट करता पहले दिखाई दे रहा था, ये इसकी कंसोलिडेशन रेंज थी यहाँ पे। लेकिन जैसे रिजल्ट्स आए, एक बड़ी इसमें हैवी बाइंग देखने को मिली, अब फिर गिरावट हो रही है। तो 18 का लेवल लोअर सपोर्ट है, ये आपको नोट करना है। तो 1 वीक का हमने सपोर्ट आपको बता ही दिया है। 1 वीक में देखे तो सपोर्ट जो है अभी कोई नहीं है, क्योंकि लोअर सर्किट लग रहे हैं, तो आने वाले टाइम में गिरावट जो है होने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप 18 के लेवल्स पे फोकस करें, 18 से 19 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, क्योंकि यदि इसकी लॉन्ग टर्म, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ही सही है दोस्तों, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुकी है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो इसलिए आने वाले टाइम में ग्रोथ के चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि 1 ईयर में 10% के रिटर्न्स हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन 5 ईयर्स में बहुत ही शानदार रिटर्न्स हैं, 433% के मल्टी बैग रिटर्न है। यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हुई है, लेकिन हाँ वॉलेटिलिटी जरूर इसके चार्ट में दिख रही है, लेकिन स्लोली स्टेडली ये स्टॉक जो है वो ग्रो ही करता दिखाई दे रहा है, बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहा है। तो जैसे इसके नंबर्स आए हैं, वैल्यूएशन सही है, ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं, तो आप भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस स्टॉक पे फोकस कर सकते हो। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, फिर यही कहेंगे, हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, आगे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों यहाँ पे हम आपको वैल्यूएशंस के हिसाब से ही जो है वो राय देते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी स्टॉक हो, कल को उसकी वैल्यूएशंस के हिसाब से ही उसकी जो प्राइस है वो एडजस्ट होती है। तो इसलिए थोड़ा वैल्यूएशंस का एनालिसिस करने के बाद ही किसी स्टॉक में निवेश करें।